दोस्तों हमने काम करने गए थे और पूर्णिमा जी का पूरा सब्जी ला दिए हैं। दोस्तों आज पूरा पूर्णिमा जी खुश हैं कि सब्जी ला दिए करके, तो आप लोग छत ऊपर में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों क्या ला दिए बेटा तेरा लिए? मेरा लिए पापा बिस्कुट आन दिया। दिखा दिखा कौन सा बिस्कुट है। देखिए लक्ष्मी का भी ला दिए बिस्कुट और कृष्णा का भी ला दिए और इधर दिखा रहे हैं पूर्णिमा जी क्या क्या झोला में ला दिए हैं। दोस्तों आज पूरा पूर्णिमा जी खुश हैं। खुश है ना जी? हाँ, हम बहुत खुश हैं। तो देखिए हम कौन सा सब्जी ला दिए हैं, दोस्तों को दिखाइए। काम करने गए थे दोस्तों और इसीलिए सबको निकाल के दिखाइए ना यहाँ पर, ताकि सबको एक एक करके दिखाइए। जल्दी जल्दी निकालिए भाई। और ये है पैसा, एक एक नहीं सबको निकालिए। अरे तुम यहाँ बिस्कुट खा, इधर आ। तुम खा रहा, पीछे जाओ पीछे, ऐसे पीछे जाओ। इसको भी दो, इसको भी दो। दोस्तों देखिए पूर्णिमा जी निकाल रही है सब्जी को, किस किस सब्जी ला दिए हैं झोला में भर के। हम सोचे दोस्तों काफी दिन से सब्जी नहीं था, तो सोचे कि सब्जी लेकर जाएंगे और पूर्णिमा जी खुश भी हो जाएंगे। तेल भी ला दिए हैं, देखिए ये आप लोग भी देख रहे हैं कौन सा तेल है। दोस्तों बस हो गया, तब निकालिए ना जी। और जलिए तो नहीं, जलिए ना, सबसे अच्छा लगेगा। और चिंगा के फिर देखेंगे मेरा दोस्तों। निकालिए और जलिए, और जलिए, और जलिए ना, साफ जगह है ये। और जलिए देखिए पूर्णिमा जी उझल रहे हैं। देखिए कितना सारा आलू भी ला दिए हैं, पूछ पूछ कर लाए हैं कि मीठा लगता है कि नहीं लगता है, तो बोल रहे थे कि नहीं मीठा नहीं लगता। तो हम सोचे आप मतलब बोलेंगे क्या कि लाल आलू ला दिए, तो हम दो आलू। देखिए दोस्तों ये लाल वाला आलू है और सफेद और लाल, दोनों आलू ये वाला सफेद, दोनों हम मिलकर ला दिए कि पूर्णिमा जी दोनों में तो खुश होंगे। क्योंकि कभी कभी अगर मीठा लगेगा लाल वाला तो फिर ये वाला खाएंगे, अगर ये वाला मीठा होगा तो फिर ये वाला खाएंगे, मतलब दोनों में कोई तो अच्छा लगेगा। इसीलिए तो देखिए पूरा सब्जी ला दिए हैं, इसको आप लोग जान रहे होंगे, तो देखिए ये सब्जी को पहचान रहे हैं। तो बढ़िया से देखिए दोस्तों, देखिए ना कैसे इसको क्या बोलते हैं जी। अरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसको भी जीने दीजिए, वो भी आखिर अपना बाल बच्चा ही खातिर मतलब सब्जी उब्जी बेचता होगा कहीं से लाकर। तो देखिए एक थोड़ा सा खराब है अलुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग काट के फेंक देंगे, वो भी जिएगा और हम भी जिएंगे, मतलब वो भी तो काम ही कर रहा है ना, जैसे हम अभी काम करके आए हैं वो भी पैसा करेगा कुछ। तो देखिए आलू अब साज रहे हैं, सबसे पहले आलू डालिए। आलू डाल दे रहे हैं, सबको बताइए फटाफट आलू डालिए। तो दोस्तों हम लोग आलू को डालते हैं, हम लोग एक एक करके आप लोग को बताते हैं कि क्या क्या सब्जी है। ये कैसा है, पत्थर जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आलू से क्या होगा, इतना सारा है ना। चलिए डालिए, हम लोग अभी आलू को डाल रहे हैं। चलिए फटाफट डालिए, अभी आलू डाल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए आलू हम लोग डाल रहे हैं और दिल दिल डालिए। और ये कच्चू भी लाए हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, पेचकी भी बोलते हैं हम लोग, पेचकी टोटी कच्चू आप लोग खाते होंगे तो जानते हैं, हम लोग खा लेते मतलब रखते हैं दोस्तों। इसका क्या क्या नाम है उसको मालूम नहीं, पर टोटी कच्चू पहले रखिए, टोटी को डालिए, टोटी काचू बोलते हैं उसको डालिए, तो बाद में डालेंगे हम, एक एक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग भी डाल रहे हैं, देखते रहिए क्या क्या है, हम लोग काचू डाल रहे हैं, दिखाइए डालिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बैंगन को रखेंगे, क्या क्या है, क्या दो आइटम हो गया। अभी बैंगन लाए हैं, देखिए अब हम रख दे रहे हैं, देखिए बैंगन दिखाइए, देखिए बैंगन अच्छे अच्छे है, मस्त लगेगा खाने में। लीजिए बैंगन को रखिए, बैंगन हो गया दोस्तों। आप देखिए अभी रुकिए, शिमला मिर्च है, ये आप लोग खाते होंगे झारखंड में, कम मात्रा इसका उपलब्ध शायद होता होगा दोस्तों, और हम लोग बहुत कम मात्रा में इसको हम लोग खाते, नहीं तो रांची तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। और किधर किधर इसको ज़्यादा खाते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों शादी विवाह में जाइएगा और जो मिर्चा खाते हैं उनको एक एक करके पकड़ा दीजिए, जो कोई अगर बोलेगा चलिए कि ए भाई थोड़ा मिर्चा लाओ ना, थोड़ा खाने का इच्छा कर रहा है, आप इसी को लेके रख दीजिए और उसको खाने के लिए बोलिए। कैसे खाएगा जी? वही ना, वो लगा ए भाई तो मिर्चा ही बोला ना, तो मिर्चा ही ना देंगे और क्या देंगे। बोलिए अब मिर्चा तुम बोलता है कि शिमला मिर्च मत लाओ, दूसरा खाने का मिर्चा वाला छोटा वाला, मिर्चा मिर्चा होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए शिमला मिर्च रखते हैं। शिमला मिर्च हो गया, उसके बाद टमाटर, कैसनो भी सब्जी बनाइएगा दोस्तों,
अगर एक टमाटर नहीं लगाइएगा तो उसका टेस्ट ही नहीं आता है। लेकिन हम लोग तो बिना टमाटर के भी खा लेते हैं, सभी में टेस्ट लगता है। क्योंकि टेस्ट इसलिए लगता है, हम लोग आपको रियल बात बताते हैं कि जिसको भूख लगेगा भैया, वो खाटा हो या पीता हो चाहे जैसा भी हो, पेट भर मतलब से रखेगा। तो हम लोग को टमाटर हो या ना हो, आज पूरा चीज़ इसका खरीद के लाए हैं। हाँ, आज तो पूरा खुलकर भर पेट खाएंगे। तो आप ला दिए ना, आज तो पूरा एकदम बिना भूख का भूख लग रहा है सब्जी देखकर, खाने का मन पूरा एकदम मन लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छा है कि नहीं देख लीजिए, फ्रेश मांग के लाए हैं। 50 रुपया के जी था टमाटर, ये उसके बाद आलू 25 रुपया के जी है दोस्तों, उसके बाद बैंगन लिए, बैंगन 30 रुपया के जी वो भी बोला, उसके बाद में कच्चू पेचकी शायद 30 रुपये, भुला जा रहे हैं दोस्तों, उतना याद नहीं रहता है, लेकिन उसको भी हमको शायद लगता है 30 रुपये के जी होगा। और फ्रेशबिन कैसे था? फ्रेशबिन नहीं कुछ, हाँ ये वाला ज़्यादा महंगा है दोस्तों, इसको 70 रुपये के जी है, पर हम आधा किलो लिए हैं। और देखिए काफ़ी हल्का होता है, ये लोग ज़्यादा चढ़ता है, आप लोग खाते होंगे इसका कैसा टेस्ट है बताइएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग आप लोग को कभी हम लोग आपसे, जैसे कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग को थैंक यू नहीं, शुक्रिया कुछ करने नहीं, धन्यवाद कुछ करने नहीं सकते हैं, सिर्फ व्यूज हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर कमेंट कीजिएगा, हम लोग जानेंगे कि इस भाई ने देखा हमारा वीडियो। तो कमेंट करने के बाद में उनका जो भी जीमेल वगैरह था उसका नाम भी लिखा जाता है, हम लोग समझ जाते हैं और उसे हम लोग धन्यवाद थैंक यू भी कह सकेंगे, क्योंकि आप हम हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग देखते हैं, हम लोग को थैंक यू करने का एक मौका प्लीज़ दीजिएगा, ताकि हम लोग धन्यवाद थैंक यू आप लोग से कह सकें। तो चलिए इसको, ये फ्रेशबिन 70 रुपये के जी दोस्तों, इसको रखते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, भाप फूक के आलू उलू भाप फूक के बनाइए तो रख दीजिए। चलिए इसको भी रखते हैं, आप रख गया दोस्तों। कभी मांसाहारी जब बनाएंगे हम लोग, अगर मिर्ची नहीं डालेंगे तो लगेगा क्या कि जिलेबी जैसा है ना, जिलेबी जैसा लगेगा, मिर्ची तो प्लीज डालिएगा दोस्तों, एकदम मिर्ची डालना बहुत ज़रूरी है, मिर्ची नहीं रहेगा तो खाने का स्वाद भी नहीं आता है। तो ये मिर्ची है, और तो दोस्तों ये मिर्ची तो मिर्ची होता है ना, तो चलिए मिर्ची को हम लोग डालते हैं, मिर्ची भी आप लोग नहीं नहीं कहे डालिए, वो शायद बोलते हैं कि इसका इसका जो है ना ये लग तोड़ने से नहीं गलता है ना, नहीं गलता है, इसको अगर नहीं पता होगा तो इसको अगर ज़्यादा मिर्ची खरीदते हैं तो इसका इसका डंटी हो जिसको तोड़ दें और रखें तो जल्दी गलेगा नहीं दोस्तों। इसको भी रख देते हैं, चलिए आप एक और है आइटम, करुआ तेल है ना, नहीं तो इसका सरसों तेल, हाँ हम करुआ तेल सरसों सल बोलने नहीं जानते हैं दोस्तों। तो देखिए ये सरसों तेल है, इसको कितना में हम लिए दोस्तों, 85 रुपया लिया है, सही दाम बोल रहा था कि आप लोगों को, थोड़ा सा गांव में आप लेते तो आपको शायद 90 रुपये लेता, तो इधर मेरा गांव में दूर से लाता होगा तो 90 रुपये लेता है दोस्तों, लेकिन हम लोग रोड से लाए अभी, उधर से काम करने गए थे उधर से, तो 85 रुपया लिया। और ये हो गया हल्दी, हल्दी किस लिए प्रयोग करते हैं सब्जी में, क्योंकि उसको कलर आने के लिए, क्योंकि कलर नहीं आता है तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सुंदर सब्जी नहीं दिखता है दोस्तों, इसीलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं। और इसको लगाने से खून भी बढ़ता है ना, खून को साफ भी करता है दोस्तों, काफ़ी है, एक दवा भी है, दवाई भी है, दर्द को मारता है दूध के साथ पीने से। काम करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर काम नहीं करेंगे, हमारा बाल बच्चा है तो फिर कैसे घर चलेगा, इसके लिए हम लोग कोई भी वीडियो आज अच्छे तरह से कहीं जाने आने नहीं सकें और बताने नहीं सकें, सोचे कि हम आए अभी सांझ में आए, जल्दी जल्दी आए हैं कि ताकि हम वीडियो बना के आप लोग को दिखा सकेंगे कि मेरा जो भी देखते हैं अपना स्थिति को नहीं बताएंगे तो कौन जानेगा दोस्तों, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी काम मिला था। और गाँव में बहुत कम मात्रा में काम मिलता है दोस्तों, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी आएँ और आप लोग को वीडियो, और काफ़ी देखिए मौसम भी अब शाम होने वाला है पूरा, अभी चूल्हा उल्हा भी धराएगी और उसके बाद हम लोग खाना उना खा के सोएंगे, और आप लोग भी अगर चूल्हा उल्हा धरा लिए और धरा रहे होंगे और खाना बना के खाइयों के देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम भगवान से दुआ करेंगे कि फिर आप लोग फिर अच्छा से सोएं और फिर बिहान अच्छा से खेले कूदे रहें। तो दोस्तों हम लोग आज वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। देखिए हमारा मम्मी उधर से बादाम लान के दिए हैं, मेरा
बड़की को तलाक रहा है बड़की। कहाँ से लाए? अभी ये जस्ट खोला है, ताजा है ना? ताजा है, ताजा है। लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। लीजिए लीजिए आप लोग भी खा लो। देखिए आपको हम खिला रहे हैं बड़की, हाँ अच्छा लगे। देख लीजिए हम लोग सास पुत्र का प्यार। देखिए हमारा माँ है जो अपना पुतियों का निकाह के बादाम खिलाने का खोज रहे हैं। थोड़ा सा देखिए लीजिए कि कैसे कर रहे हैं सब। बादाम बहुत जोर से बड़ा बड़ा बड़ा, इसको मैंने नक्शा है यार, मंजी अंदर में बहुत बड़ा है, जल्दी बड़ा बड़ा है, सकत सकत है, सकत अच्छा बैठा है, मतलब अच्छा बैठा है दोस्तों। अभी का बादाम अभी कैसे किलो चल रहा है बादाम? 40 रुपए के जी अभी बादाम है दोस्तों। कच्चा बादाम ज्यादा मत खाइएगा, और ज्यादा नहीं खाने से थोड़ा सा शक्कर में भी चक्राहट आता है दोस्तों। देखिए मेरा पुतो के खिला रहे हैं, तो देखिए मेरा मम्मी उसको खिला रहे हैं, पूरा एकदम खा लिए यार, पूरा मुंह में भर दिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज यहीं पर वीडियो को रखते हैं, ब्लॉग को रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मस्त लगेगा। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नागपुरिया भी हैं, और नागपुरिया थोड़ा सा कापूरा है, लेकिन हम लोग हिंदी से बोलते हैं। मेरा माँ नागपुरिया, हम लोग आदमी है रांची तरफ के, लेकिन चलिए आप लोग एक दिन सब पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए कमेंट में भी पूछते हैं, हमको प्रेम करती है बहुत, मतलब मानती है। आप लोग का भी सास ससुर होंगे तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं। लड़ाई झगड़ा करने से कोई नहीं, इसको हम दुलार प्यार करेंगे तब हम बूढ़े हो जाएंगे कि हमको दुलार करेंगे। सही बात, आज मेरा शरीर है और इसको गाड़ी देंगे, मारी देंगे तो जखन मेरा शरीर घर जाएगा नहीं, लेकिन मेरा पारी ले लेगा, इसलिए हम नहीं बोबा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मेरा पुतो है, दुलार से रखेंगे, जब बूढ़ी होंगे तखन हमको सेवा करेगा, खाना देगा। दोस्तों अभी सोचिए तो पूर्णिमा जी का वो माँ है, और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो बच्चे तो उनका माँ ये बनेगी, क्योंकि देखभाल ही करेगी तो माँ के बराबर है। इसलिए भगवान सबको ये मतलब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा अपना करनी करके जाओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों सबको जैसा लिखा हुआ है वैसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी माँ जैसा वो कर रही है, और माँ तो कर ही रही हो बच्चा को, ये जरूर याद करेगा कि वो उस तरह की। और अपना माँ बाप को कितनों भी कुछ कहे, माँ बाप से कभी भी नाराज बेटा पुतो चाहे कोई भी हो उसको नाराज नहीं हो चला, माँ तो माँ होता है दोस्तों। माँ से, माँ को छोड़कर किसी से गुस्सा मानना है चाहे कुछ भी नाराज होना हो सकते हैं, लेकिन माँ से मिल के रहिए, कुछ भी बना के खा रहे हैं उसको पहुँचाइए, खिलाइए, कितना मेहनत से पाल कर वो लोग बढ़ाते हैं, आज दुनिया देखेंगे। और कुछ अगर थोड़ा सा माँ बोल देता है उसको गुस्सा जाएंगे। पापा माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, दादा दादी को देखिए, पूरा खा अपना जो भी खाते हैं मिल बांट कर खाइए, खुशी से रहिए, लड़ाई झगड़ा किसी से करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों बहुत हम लोग ज़्यादा बोल दिए बोले आज, तो चलिए ब्लॉग को यहीं रखते हैं। बाय बाय।